ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू उष्ट्रासन। रेडी? सबसे पहले आपने अपने पैर को ऐसे करना, नीज बेंड कर। यस, आपका राइट हैंड राइट लेग के ऊपर और लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग के ऊपर। स्टूडेंट्स, आपने अपनी बॉडी को बेंड करना ऐसे। आपके स्पाइन को मजबूती मिलती है, स्पाइन का पेन दूर होता है और जो आपकी डाइजेशन पावर आपकी इम्प्रूव करती है, आपके शोल्डर को, आपके हैंड्स को स्ट्रेंथन, आपके इन दोनों को, शोल्डर और जो आपके हैंड्स हैं उनको मजबूती मिलती है, पावर मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आसन हमारा है सिंहासन। तो नेक्स्ट स्टार्ट स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसमें आप सबसे पहले पेट के बल लेट जाएंगे और फिर आपने राइट हैंड से राइट लेग को होल्ड करना है और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग को ऐसे करिए और अपनी नेक को आपने ऊपर उठाना ऐसे और लेग्स को पीछे से। तो आपने जितनी देर आप रुक सकते हो इस आसन में आप इसको कर सकते हो। आपकी लेग्स को भी मजबूती मिलती है, आपके हैंड्स को भी, आपकी स्पाइन मजबूत होती है और आपकी जो सर्वाइकल और ये सब आपकी इन सब को जो बोन है आपकी इसको मजबूती मिलती है। आसन की प्रैक्टिस की। नेक्स्ट आसन हमारा है मकरासन। मकरासन में स्टूडेंट्स आपकी बॉडी को रिलैक्स भी मिलेगा और माइंड को भी रिलैक्स मिलेगा। सबसे पहले आपने पेट के बल लेट जाना है और अपने दोनों हैंड्स को अपने ऐसे ऐसे रखना अपने चिन के ऊपर। इससे जो स्टूडेंट्स हमारा जो सर्वाइकल हो जाता है तो ये सर्वाइकल में भी ये बहुत रिलैक्स दिखता है। आपने सिर्फ ऐसे देखना और आपके पैर, आप अगर बैक पेन आपको रहता है तो आप आपके टोज को बाहर की तरफ भी ऐसे कर सकते हो। टोज को आपकी एड़ी नीचे की तरफ लगी होनी चाहिए जमीन पे। इसको 15-20 सेकंड आप कर सकते हो, 30 सेकंड तक भी आप इसको कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आसन हमारा भू नमन आसन। फर्स्ट ओपन योर लेग। ये आपकी बॉडी को, आपकी लेग्स को स्ट्रेच भी करेगा, आपके ज्वाइंट्स को फ्लेक्सिबल करेगा। देन डाउन, आप जितनी देर भी आप कर सकते हो